दुनिया भर के बाजारों से गिरावट के संकेत। रिश्वती कारोबार में शेयरों में जोरदार कमजोरी। एसईसीपी भी नीचे। निफ्टी के लिए 7700 के स्तर को होल्ड करने की होगी चुनौती। अनुमान से अच्छे रहे अदानी पोर्ट्स के तिमाही नतीजे। वहीं आज अमेरिका कंपनियों के नतीजों का दिन। अदानी इंटरप्राइजेस, हेक्सरवेयर, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस और डीएचएफएल के नतीजे आज। आज खुलेगा मिल्क फूड कारोबार से जुड़ी कंपनी पराग मिल्क का आईपीओ। 220 से 227 रुपए का प्राइस बैंड। कंपनी 464 करोड़ जुटाएगी आईपीओ के जरिए। टीवीएस मोटर्स में कल की भारी गिरावट के बाद ब्रोकिंग हाउसेस ने दी आज अंडर परफॉर्म रेटिंग। सीएलएसए के मुताबिक अगले दो साल में मार्जिन्स में कोई सुधार नहीं होने का अनुमान। वहीं डॉयशे बैंक ने दी बिकवाली की सलाह। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में डीआईजीओ की हिस्सा बढ़ाने की खबरों का किया खंडन। कल कंपनी के हिस्सेदारी बढ़ाने की थी खबरों के बाद शेयर में आई थी जोरदार तेजी।